तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम में हुई खतरनाक गेंदबाज की एंट्री। ऑस्ट्रेलिया के इस खतरनाक गेंदबाज से कांप रहे हैं सभी भारतीय बल्लेबाज। जी हां दोस्तों, आखिरकार कौन सा है वो खतरनाक खिलाड़ी जिसकी रातों रात हुई है ऑस्ट्रेलिया टीम में एंट्री और कांप रहे हैं भारतीय बल्लेबाज, बताएंगे उस खतरनाक खिलाड़ी का नाम आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले आपके मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले को कौन सी टीम जीतेगी, आप अपनी राय नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फिलहाल चार टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। आपको बता दें कि चार टेस्ट मैचों की सीरीज के शुरुआती दो टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं। शुरुआती दोनों ही टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को पटकनी दे दी है। हालांकि शुरुआती दोनों टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के कुछ खिलाड़ियों का खराब प्रदर्शन देखने को मिला है। तीसरे टेस्ट मुकाबले को जीतने के इरादे से टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की निगाहें पलटवार करने पर होगी। हालांकि आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे टेस्ट मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहेगी और सीरीज में वापसी करना चाहेगी, जिसके लिए टीम में एक खतरनाक गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। यह बाएं हाथ का तेज गेंदबाज जब अपनी लय में होता है तो बड़े से बड़े बल्लेबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ा देता है। आपको बता दें कि यह गेंदबाज कोई और नहीं बल्कि मिचेल स्टार्क हैं। तीसरे टेस्ट मुकाबले में मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया की टीम में हमें शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। मिचेल स्टार्क बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं और भारतीय बल्लेबाज हमेशा से बाएं हाथ के गेंदबाज के सामने जूझते हुए नजर आते हैं। मिचेल स्टार्क की गेंदों को खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होगा। ऐसे में मिचेल स्टार्क के आ जाने से भारतीय खेमे में कहीं न कहीं खौफ का माहौल है। देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय बल्लेबाज मिचेल स्टार्क का सामना किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।